Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Junior College, University of Allahabad. And I am going to discuss today a very important, relevant and interesting topic, that is Control and Coordination Machinery of Higher Education in India. It is in your syllabus too and it will be useful for you all. So do subscribe my channel to get my future and previous videos too. First of all, higher education, उच्च शिक्षा, क्योंकि हम सभी लोगों का उच्च शिक्षा से डायरेक्ट लेना देना है, हम लोग स्टेक होल्डर्स हैं हायर एजुकेशन के, तो हमें पता होना चाहिए कि कौन उसका नियंत्रण करता है और कौन उसके समन्वय में शामिल है. तो हमको जानना क्या है कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया, यानी कि भारतवर्ष में उच्च शिक्षा का नियंत्रित करने वाला फ्रेमवर्क क्या है. तो देखिए, इस तरीके के ट्रायंगल से हम ये चीज समझ सकते हैं कि पॉलिसी मेकिंग कौन करता है हायर एजुकेशन. पॉलिसी मेकिंग करता है डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, MHRD. MHRD मीन्स मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. पहले इसका नाम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन था, फिर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हुआ, फिर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया, यानी B2020 में. एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन जिसको केव के नाम से भी जानते हैं, और स्टेट काउंसिल्स फॉर हायर एजुकेशन जो कि स्टेट में काम करते हैं. ये केव, ये जो है ये स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व की बॉडी है. फिर रेगुलेशन कौन करता है हायर एजुकेशन को, तो सबसे जो ज्यादा पॉपुलर नाम है और जो सबसे ज्यादा जिसका प्रभुत्व है, इम्पैक्ट है हायर एजुकेशन में, वो UGC है. UGC. तो कोई भी स्टूडेंट हायर एजुकेशन में होगा, वो नहीं भी जानता होगा कुछ, तो वो इसने UGC का नाम सुना होगा, है ना. कि हम लोग इन जनरल बात करते रहते हैं कि यूजीसी ने वो फला डिग्री यूजीसी से गवर्न है कि नहीं, कॉलेज यूजीसी से रेगुलेटेड है कि नहीं. ना, यूजीसी का नाम बहुत हम लोग सुनते हैं, भले उसका फुल फॉर्म ना जानते हो, उसका रोल ना जानते हो, उसका क्या इम्पैक्ट है वो ना जानते हो, पर यूजीसी सबसे ज्यादा प्रभुत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यूजीसी को ही हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में. इसके अलावा क्या क्या है, AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, इट इज नॉट टीचर, इट इज हियर टी इज फॉर टेक्निकल. MCI, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, PCI, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, DEC, डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल, यानी कि इग्नू एक्ट के तहत ये बना है, यानी कि जो दूरस्थ शिक्षा के कार्यक्रम है हायर एजुकेशन में उसका नियंत्रण देखता है. BCI, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, NCTE, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, हियर टी इज फॉर टीचर. ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, है ना, CSIR, स्टेट रेगुलेटर्स, ये सारे रेगुलेटरी बॉडीज हैं. और एक्रेडिटेशन, आपने सुना होगा कि आपका कॉलेज NAC A ग्रेड से एक्रेडिटेड है ना, किसी का B होता है, किसी में एक्रेडिटेशन ही नहीं होता है. तो कौन कौन एक्रेडिटेशन देखता है, नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन और नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल, NAC और नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन, ठीक है. तो ये अगर आप समझ लीजिए तो आपको हायर एजुकेशन का रेगुलेटरी फ्रेमवर्क समझ में आ जाएगा. पर क्योंकि एक वीडियो में हम एक ही टॉपिक पर बात कर सकते हैं, बहुत बहुत हम ब्रॉड नहीं कर सकते, उसको लेंथी नहीं कर सकते, तो इसमें हम सिर्फ और सिर्फ UGC पर बात करेंगे, ठीक है. UGC, जेनेसिस ऑफ UGC, कैसे उत्पत्ति हुई UGC की. तो द फर्स्ट अटेम्प्ट टू फॉर्मुलेट अ नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन इंडिया केम इन 1944. देखिए, 1944 में पहली बार एक राष्ट्रीय शिक्षा की बनाने की बात की गई, विद रिपोर्ट ऑफ द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन जिसको केव के नाम से जानते हैं, ऑन पोस्ट वार एजुकेशनल डेवलपमेंट इन इंडिया, ऑल्सो उन्होंने सार्जेंट रिपोर्ट, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात, है ना, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात ये सोचा गया कि एक नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन होना चाहिए और केव की स्थापना हुई. इट रिकमेंडेड द फॉर्मेशन ऑफ ए यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमेटी विच वॉज फॉर्म इन 1945 टू ओवरसी द वर्क ऑफ द 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ऑफ अलीगढ़, बनारस एंड दिल्ली. जो 3 केंद्रीय विश्वविद्यालय भारतवर्ष में बने थे, अलीगढ़ का, बनारस का और दिल्ली का, उसको देखने के लिए एक यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी की स्थापना की गई थी 1945 में. और इन 1947
जब भारत आजाद हो गया, द कमिटी वाज इंटरेस्टेड विद द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ डीलिंग विद ऑल द देन एग्जिस्टिंग यूनिवर्सिटीज। तो इसको यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमेटी को कहा गया कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं आप सबका देखिए। सून आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरंत बाद, द यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन वाज सेट अप इन 1948 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर एस राधाकृष्णन। जानते हैं हम लोग ये बात कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग बना, किस लिए बना? Report on Indian University Education and suggest improvements and extensions that might be desirable to suit the present and future needs and aspirations of the country. क्यों बना? कि जो भारतीय उच्च शिक्षा है, विश्वविद्यालयी शिक्षा है, उसमें हम आप improvement बताइए और कैसे वो और future needs और aspirations of the country के लिए suited हो सकती है। It recommended that the University Grants Committee be reconstituted as the general model of the University Grants Commission of the United Kingdom with a full-time chairman and other members to be appointed from amongst educationists of repute. यानी कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने कहा कि जो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमेटी है आप उसको यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन बना दीजिए। किसके तर्ज पे? यूनाइटेड किंगडम में जैसे चलता है उसकी तर्ज पे बना दीजिए और आप उसमें फुल टाइम चेयरमैन दे दीजिए एक, ठीक है। फिर 1952 में क्या हुआ? The Union Government decided that all cases pertaining to the allocation of grants in aid from public funds to the central universities and other universities and institutions of higher learning might be referred to the University Grants Commission. Consequently, the University Grants Commission was formally inaugurated by late Sri Maulana Abul Kalam Azad, the then Minister of Education, Natural Resources and Scientific Research on 28th December 1953. यानी कि 1953 में मौलाना अबुल कलाम आजाद जो तब शिक्षा मंत्री थे उन्होंने इसको लॉन्च किया, फॉर्मली इनॉग्रेट किया। UGC, however, was formally established only in November 1956 as a statutory body of the government. यानी कि वैधानिक ये संस्था बनी 1956 में, बन गई थी 1953 में। किसलिए बनी है? Coordination, determination and maintenance of standards of university education in India. यानी भारतवर्ष में जो विश्वविद्यालयी शिक्षा है, जो उच्च शिक्षा है, उसके समन्वय, उसके सुनिश्चितीकरण, उसके मेंटेनेंस के लिए बनी है, उसके स्टैंडर्ड्स है ना, मानकों का मेंटेनेंस किया जा सके। तो अगर इसका टाइमलाइन देखें हम, तो शुरू होता है ये बीच में एरो ना गड़बड़ कर रहा था इसलिए मैंने डिलीट कर दिया। माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन्स रिपोर्ट 1823 में, फिर लॉर्ड मैकॉले की रिपोर्ट आती है 1835 में, फिर वुड डिस्पैच आता है 1854 में, इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड बनता है 1925 में, सार्जेंट रिपोर्ट आती है 1944 में, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन 1945 में बनता है, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948 में आता है जो कि कहता है कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन बना दीजिए, जो 1953 में बनता है, लेकिन तब ये नॉन स्टैचुटरी होगा था, मतलब तब ये मतलब वैधानिक इसको सत्ता नहीं मिली थी, और 1956 में ये स्टैचुटरी बॉडी बन जाती है। कौन? यूजीसी, ठीक है। अब यूजीसी को जाने कि the University Grants Commission established in 1956 by an act of parliament has the general duty to take. इसलिए बनाया गया ये in consultation with universities or other bodies concerned all such steps as it may think fit for the promotion and coordination of university education and for the determination and maintenance of standards of teaching examination and research in universities. यानी विश्वविद्यालयों में शिक्षण, परीक्षा और अनुसंधान कैसे होगा, कैसे उसके मानक सुनिश्चित किए जाएंगे, कैसे समन्वय चलेगा यूनिवर्सिटी एजुकेशन सिस्टम में, उन सब के लिए 1956 में इसको वैधानिक संस्था बना दिया गया। The purpose of performing its functions, UGC can inquire into the financial needs of universities and allocate and disburse grants to them for the development and or maintenance of such universities or for any other general or specific purpose. Grants Commission, you know? 1 minute. Grants Commission है, इसका मतलब कि ये ग्रांट देने का काम करता है, फाइनेंशियल एड का काम करता है। विद रिगार्ड्स टू कॉलेजेस, यूजीसी कैन रिकमेंड द मिनिमम स्टैंडर्ड्स फॉर पजिंग अ क्वालिफिकेशन, डिटरमाइन द फी टू बी चार्ज्ड एंड डिफरेंसेस इन फी बिटवीन यूनिवर्सिटीज, कोर्सेज ऑफ स्टडी इन डिफरेंट एरियाज इन कंसल्टेशन विद द यूनिवर्सिटी टू विच सच कॉलेजेस आर एफिलिएटेड। इफ दीज रिकमेंडेशंस आर फाउंड टू बी वायलेटेड, यूजीसी कैन प्रोहिबिट एंड टर्मिनेट द कॉलेज फॉर एडमिटिंग फर्दर स्टूडेंट्स व्हाइल सेफगार्डिंग द एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स। कह रहा है कि कॉलेजेस के लिए यूजीसी क्या करता है, मिनिमम स्टैंडर्ड सेट करता है, ये सुनिश्चित करता है कितनी फीस ली जाएगी, विभिन्न यूनिवर्सिटीज की फीस में क्या अंतर है ये सुनिश्चित करता है, कौन से कोर्सेज चलेंगे ये सब तय करता है। और अगर वो देखता है कि वो यूजीसी देखती है कि कहीं उसके रिकमेंडेशंस का वॉयलेशन हो रहा है तो वो टर्मिनेट भी कर सकता है अपनी ग्रांट को, है ना, ये सब कर सकता है वो।
फिर कॉम्पोजिशन ऑफ यूजीसी कैसे बनता है, ये कैसे बॉडी बनती है, ये कमीशन ऑफ यूजीसी कंसिस्ट ऑफ चेयरमैन, इसमें एक चेयरमैन होता है, एक वाइस चेयरमैन होता है और 10 मेंबर होते हैं। जो 10 मेंबर होते हैं उनमें से सिर्फ 3 जो है वो यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर हो सकते हैं, 2 होंगे यूनियन गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव होंगे और बाकी मेंबर जो है वो शिक्षाविद होते हैं। यूजीसी मैनेजर्स इट्स फंक्शंस विद रेस्पेक्ट टू कॉलेजेस थ्रू 6 रीजनल ऑफिसेस। इसके 6 जो है क्षेत्रीय जो है इसके कार्यालय हैं, कहाँ कहाँ है, हैदराबाद में है, बेंगलुरु में है, पुणे में है, गुवाहाटी में है, कोलकाता में और भोपाल में है और दिल्ली में तो है ही। The central government provides the funds to the UGC through appropriations made by the parliament every year. The UGC has the power to carry out inspections to ensure that universities are utilizing the funds as prescribed and can also withhold grants in case of failure to comply with the recommendations by the UGC. यानी कि हर साल संसद इसको फंड देती है और इसका काम है कि ये यूनिवर्सिटीज को फंड दे और ये देखे कि इसके फंड का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा है कि नहीं, और अगर नहीं होगा यूटिलाइजेशन तो ये ग्रांट को रोक लेगी। ठीक है, तो इसका मोटा मोटा फंक्शन क्या हुआ, प्रमोशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन, यानी कि उसमें को बढ़ाएगी, उसमें समन्वय स्थापित करेगी, डिटर्मिनेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ टीचिंग एग्जामिनेशन रिसर्च, एलोकेशन एंड डिस्बर्समेंट ऑफ ग्रांट्स, यानी कि पढ़ाई पर परीक्षा अनुसंधान सब कुछ यूजीसी देखती है, ग्रांट यूनिवर्सिटी देती है, यूजीसी देती है, दूसरी यूनिवर्सिटी को एडवाइस देती है कि कैसे वो यूनिवर्सिटी एजुकेशन को और बेहतर कर सकती है ना, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस करती है। लेकिन हमको ये खास बात ध्यान रखनी है कि एग्रीकल्चरल एजुकेशन और मेडिकल एजुकेशन को यूजीसी कोई सपोर्ट नहीं देती है ना, फॉर विच अनदर स्पेशलाइज्ड एजेंसी ICAR वाज सेट अप अर्लियर। एग्रीकल्चरल एजुकेशन के ICAR बनाया गया है, जबकि मेडिकल एजुकेशन को देखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ उसकी नोडल एजेंसी है। ठीक है, यानी कि इसके अलावा बार काउंसिल को, जो आपका लॉ की पढ़ाई था, ये उसको भी बार काउंसिल देखता है, पर ये मोटा मोटा मतलब एग्रीकल्चरल रिसर्च नहीं देखती है, मेडिकल रिसर्च नहीं देखती है और लॉ का लेना देना यूजीसी से नहीं है, लॉ के लिए BCI है, उसी तरह से फार्मेसी के लिए PCI है। तो हम तो एक ही फिलहाल बता सकते थे, इसलिए यूजीसी हमने फिलहाल बताया, इसलिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है और बहुत ज्यादा इसको हम यूज करते हैं, तो हमको पता होना चाहिए कि यूजीसी क्या है, उसके क्या फंक्शन है, क्या कॉम्पोजिशन है, कैसे ये अस्तित्व में आई है। ठीक है, तो एक मोटा खाका आपको समझ में आया होगा कि कैसे हायर एजुकेशन का कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में होता है। सो आई हैव कंप्लीटेड द बेसिक टॉपिक ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया। थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन। आई हैव डन फ्रॉम माय साइड।